एक व्यक्ति जीवन में बड़े परेशान होकर जंगल के अंदर प्रवेश किए। जंगल में भटकते भटकते सोच रहे थे, मैं अपने परिवार को त्याग दूंगा, नौकरी को त्याग दूंगा, हर प्रकार के सामाजिक संबंधों को त्याग दूंगा, और मैं इतना उदास हूं कि सोचता हूं कि अपने जीवन को भी त्याग दूंगा। ऐसा संकल्प करके वो जा रहे थे, अचानक एक साधु महात्मा उनको मिल गए। महात्मा जी ने उनके मुख को देखकर कहा, आप बड़े उदास लग रहे हो, परेशान हो क्या? तो सज्जन ने कहा, हाँ, मैं अपने जीवन के हर प्रकार की योजनाओं में विफल होकर विचार करता हूं कि प्राण त्याग दूं। इसको देखकर महात्मा जी ने निकटवर्ती एक विशाल बंबू के वृक्ष को दिखाया और कुछ जमीन पर लगे हुए घास को दिखाकर कहा, इस घास को देखो और बंबू को देखो। तो नवयुवक कहता है, हाँ देख तो रहा हूं, कहना क्या चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, देखो ये घास के बीज बहुत ही आरंभ में लगाए थे, और जब उनको लगाए साथ साथ बंबू के वृक्ष को भी लगाया था। घास तो तुरंत उग गया, लेकिन पहले महीने में बंबू नहीं उगा, दूसरे महीने में बंबू नहीं उगा, तीसरे महीने में बंबू नहीं उगा, लेकिन घास बढ़ता चला जा रहा था। अगर तुलनात्मक बुद्धि के आधार पर दोनों को देखा जाए तो फिर किसी को लगेगा, अरे घास तो बहुत प्रगति कर रहा है लेकिन बंबू तो वहीं का वहीं है। नहीं, मुझे इस बात का विश्वास था कि कुछ धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि ये बंबू भी ऊपर उठेगा, ऊंचाइयों को चोटियों को प्राप्त करेगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात। इसीलिए पांचवें महीने में वो बंबू का वृक्ष धीरे धीरे उठने लगा, और देखते ही देखते देखिए 16 फुट का हो गया है। क्यों? क्योंकि उसे अपना समय चाहिए, उसका अपना एक व्यक्तित्व है, उसका अपना एक गुण है, और उसको सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी विशेष योग्यताएं लगती हैं। तदा तदहमेशस्य भक्तानां शम अभीप्सतम् अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। श्रीपाद नारद मुनि जब 5 वर्ष के बालक थे, उनकी माता का देहांत हो गया। उसके पश्चात उन्होंने अपने मन में संकल्प किया, हाँ, किसी नन्हे से अबोध बालक के लिए अपनी माता की छत्र छाया का विनाश होना बहुत बड़ी विपत्ति है, लेकिन ऐसी विपत्ति में मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान इस विपत्ति के माध्यम से अपने असीम कृपा की संपत्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि भगवान हर भक्त के शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। इसलिए भले मेरी माता का नाश हुआ, मेरी आशा का नाश नहीं होगा, और अपनी निराशा को त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए मैं उत्तर दिशा की ओर जाता हूँ। आइए अपने हृदय में इस बात का संकल्प कर लें कि हर व्यक्ति के सफलता के लिए, प्रगति के लिए भगवान ने अपनी एक व्यक्तिगत योजना बनाई है। दूसरों के जीवन के साथ, सफलताओं के साथ, योग्यताओं के साथ तुलना करके हतोत्साहित होना व्यर्थ है। बंबू का वृक्ष अपने समय के अनुसार बढ़ता है, घास का तिनका अपने अनुसार आगे बढ़ता है, लेकिन दोनों जब एक ही वन के अंदर हो, दोनों वन की शोभा को बढ़ाते हैं। आइए हम अपने जीवन में, इस समाज में योगदान करने का प्रयास करें, अपने मानव जीवन को सफल बनाएं और समाज की सेवा करें।